हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द एग्जाम पॉइंट में। और दोस्तों, आज मैं यूपी पुलिस के बारे में अपडेट लेके आया हूं कि आपको बता दूं, सबसे पहले आपको न्यूज़ आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों पे आपने देखा होगा कि इस साल अब यूपी में कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग आपको सूचनाएँ मिली होंगी, सीएम आदित्य योगीनाथ ने कहा था। ठीक है, तो योगी जी ने आपको बताया है कि इस साल आप यूपी में कोई भर्ती नहीं होगी, तो इसके लिए आप बहुत से चिंतित होंगे। आपको बहुत सी सूचनाएं मिल चुकी होंगी, बहुत सारे आपको जो तथ्य होंगे वो मिल रहे होंगे, सामने आ रहे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो अपडेट करने वाला हूँ, यूपी पुलिस 49,569, यूपी पुलिस 41,520, यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन, ये जो तीन वैकेंसियाँ पहले से चल रही हैं, तो इन तीनों वैकेंसियों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 41,520 के बारे में। तो जो 41,520 वाली पुलिस की वैकेंसी है, इसमें लगभग आपके 5,000 समथिंग पोस्ट खाली हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बच्चों की मांग है वो लगातार कर रहे हैं, ट्विटर पे भी अभी अभियान चला रहे हैं कि जो इनकी खाली वैकेंसियां हैं, जो इनकी खाली सीटें हैं, उस पर उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। ठीक है, बाकी जो पोस्ट है उनका सिलेक्शन हो गया, उनकी ट्रेनिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है। बट अभी आपको बात करना, जो भी खाली पद हैं उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट के से या दरख्वास्त की जा रही है। बच्चों ने ये अभियान छेड़ दिया है ट्विटर पे, आप ट्विटर हैंडल पे भी आपको मिल रहा होगा, जिससे कि इसमें बच्चे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग ट्विटर अभियान पे आएँ, जुड़ें। और 41 जो 520 की वैकेंसी में खाली आपके सीटें हैं, उस पर सरकार से मांग करें कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और भी बात कर लें इसका सेकेंड पार्ट, यानी कि बात कर लें हम यूपी पुलिस 49,569। तो दोस्तों, आपको पता है कि इसमें आपने अपना फिजिकल कंप्लीट कर लिया है, रिटन कंप्लीट कर लिया है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अभी आपका केवल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बाकी है और आपका चरित्र सत्यापन बाकी है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन और आपका केवल ओनली मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी है। इसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी, जिनका सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल अभी आपको कोरोना ने पूरी सबकी पूरी सरकार की कमर तोड़ दी है। यानी कि जो सरकार है वो अपने खर्चे को कम करना चाहती है, जैसा कि आप अभी न्यूज़ में भी देख पा रहे हैं कि सरकार अपना जो खर्चे में कमी चाह रही है, सरकार आपका जो खर्चा है उसको कम करने के लिए जो नियुक्तियाँ हैं उसको रोक दी है। तो अभी नियुक्तियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, इस सरकार जो वैकेंसियाँ आपकी कैंसिल हो जाएंगी, या फिर आपकी जो वैकेंसियाँ हों इसको फिर पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब अगली बार वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। और फ्रेंड्स, इस पर आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस के और भी क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आपको फायदा हो सकता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको कुछ वहां से तथ्य मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और बता दूं कि इस पे जो आपका लास्ट अपडेट आया है वो 20 मई 2020 का। तो आपको अपडेट बताता था उसमें क्या दिया गया है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में और अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना। तो फिर सबसे पहली बात, ये सूचना आपके किसी काम की नहीं है। यदि आपने 41,520 के रिक्त पदों और 49,569 से ताल्लुकात रखते हैं तो ये आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती, ये सूचना आपको मायने नहीं रखती। तो सबसे पहली बात, तो आपकी इसके बाद जो है लास्ट आपकी सूचना वो 13 मार्च की आई थी, इसके बाद आपको कोई भी सूचना आपको नहीं मिली थी। ठीक है, तो सबसे पहले 49,569 वाले विधान दे लें कि आपकी क्या जो कंप्लीट हो चुकी है, 49,569 में जितने भी कैंडिडेट हैं 49,569 में, उनकी आपकी सबसे पहले आपने रिटर्न दिया, फिर आपका जो है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपकी रनिंग हुई। ठीक है, रनिंग में भी आपने पास कर लिया है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, मेरिट भी आपकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, मेरिट के बाद से आपने सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और आपका मेडिकल जो मेडिकल लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। जो मेडिकल लिस्ट है उसको भी आपको जारी कर दिया गया है, उसमें भी आपने अपना नाम को मिला लिया है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कि आपका जो सिलेक्शन है मेडिकल लिस्ट में आपका नाम आया है और आप मेडिकली फिट हैं तो फिर आपको ये नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यदि आप मेडिकली फिट हैं, यदि लिस्ट में आपके नाम है तो मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे उतने ही हैं जितने आपकी मेरिट है, बस दो चार इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बच्चे इसमें भी छटते हैं, 5% या 10% ही छटेंगे, बट बच्चे इसमें भी डिसक्वालीफाइड होते हैं मेडिकल में। ठीक है, तो बहुत सारे आपको तथ्य हैं। सबसे पहले बात तो मैं कर लेता हूँ कि जो आपको योगी जी ने कहा है कि इस साल आपकी वैकेंसियाँ नहीं होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मैं सूचना आपको लाया हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दे दीजिए कि योगी जी ने कहा है कि इस साल कोई नई वैकेंसियाँ नहीं होगी। तो
फ्रेंड्स याद कीजिए जो आपको 3568 है आपकी 2018 दिसंबर की आपको वैकेंसी है, ठीक है, जो कि आपको फरवरी 2019 में आपका एग्जाम कराया गया था। तो ये वैकेंसी आपकी 2018 की है, ये आपकी वैकेंसी की जाएगी। बट गौरतलब है कि मैं आपको बता दूं कि आपका भी जो कोरोना का अपडेट चल रहा है, कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो अभी भी आपका बहुत करेगी सरकार तो आपको यहाँ से अपना मेडिकल करा ले। मेडिकल कराने के लिए बहुत दिक्कत नहीं है, यदि सरकार चाहे तो आपका मेडिकल करा सकती है। बट आपको बता दूँ कि मेडिकल कराना या फिर ट्रेनिंग सेंटर पर भेजना, इसके लिए बहुत रिस्क है, क्योंकि आपको पता है ये जो आपको संक्रमण है कोरोना वायरस का संक्रमण, ये आपका मैन टू मैन फैलने का खतरा, यानी कि अभी बच्चे आएंगे, दूर से आएंगे, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा, तो इसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। तो सरकार इस टाइम में कोई भी आपको अभी रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अभी पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। तो आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए, ये अनुमान ही बताया जा रहा है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग कोई नोटिफिकेशन रहेगा तो ज़रूर बताया जाएगा, बट ये नोटिफिकेशन नहीं है, केवल एक मेरे द्वारा जो ये कैलकुलेशन किया गया है, वो कैलकुलेशन है कि अभी आपका जो 49568 का मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी आपका नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है, क्योंकि आपका भी कोरोना वायरस का जो सिस्टम है, अभी कोई भी वैक्सीन आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो जब तक कोई वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं हो जाती, आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर यानी HTC और RTC ट्रेनिंग के लिए अभी नहीं भेजा जाएगा। तो इसके लिए अभी आपको करना होगा वेट। बट आप बता दें कि ये वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं होने वाली है, वैकेंसी आपकी क्लियर होगी। सरकार ने बस इतना कहा है कि नई वैकेंसियाँ, जो नई भर्तियाँ वो नहीं आएंगी, तो नई वैकेंसियाँ तो आ नहीं रही हैं। ये बात हो रही जो अभी आपका लेखपाल की भर्ती आने वाली थी, UPSI की भर्ती आने वाली थी, और भी बहुत सारे जो पोस्ट थे आने वाले थे, उसके लिए बताया गया है कि वो नई भर्तियाँ अभी नहीं आएंगी, क्योंकि अभी सरकार ने अपने जो खर्चे हैं उसको कम करने की बात की है, उसको खर्चे को कम करने की बात है, जिसकी वजह से जो नई भर्तियाँ हैं, जो जैसे कि ऑफिशियल भर्तियाँ हैं, उसको नहीं लाएगी। बट अभी बात कर लें पुलिस की, तो पुलिस का आपका क्षेत्र की भर्ती है, इसमें आपको ज़रूर ही ड्यूटी लेनी होगी, तो ऐसे लोगों की नियुक्ति उन्हें देनी होगी। तो अभी आपका ये डिले हो सकता है, मे बी आपका जो 49568 वालों के लिए बता दूं, तो ये आपका जो 49568 के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो दिसंबर तक जा सकता है, ठीक है, इस साल के भी लास्ट में दिसंबर तक जा सकता है, दिसंबर 2020 तक जा सकता है। और आपकी जो फाइनल ट्रेनिंग होगी, यदि जब तक वैक्सीन का कोई मिल नहीं जाता या कोई अच्छी दवा नहीं मिल जाती कारगर जो कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म करने में मददगार साबित हो, तब तक आपका इसमें कोई भी चांस सरकार नहीं ले सकती, तो आपका डिले हो सकता है, बट आपकी जो वैकेंसी वो क्लियर होगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपको इस पर कोई भी संदेह नहीं है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं 41520 की, तो उनके लिए भी है फ्रेंड्स। सबसे पहले अब सरकार 41520 को अंदर लेती है या फिर 49568, ये दोनों लोगों को मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए भेजना है। बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं, बच्चों का लिस्ट सब कुछ क्लियर है, बट उनको भेजना है तो कौन सी वैकेंसी को पहले क्लियर करेंगे, ये तो सरकार के ऊपर है। अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि 41520 के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, उसके बारे में कोई भी विचार अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और बात कर लें आपका अगला जेल वार्डर के लिए, ठीक है, तो जेल वार्डर वाली जो वैकेंसी के लिए आपका नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें आपको मैं साफ साफ क्लियरली बता दूं कि अभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त के पहले नहीं होने वाला है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आपका अगस्त के पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो भी आपकी परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं, जो भी इस परीक्षा कराने के लिए आपका जो सबसे पहले आपको उसमें पुलिस की सहायता लेनी होगी, तो पुलिस का जो पूरा कार्यक्रम है अभी कोरोना वायरस पर केंद्रित हो गया है, सारे जो कार्यक्रम है अभी उसी पर लिया जा रहा है। सरकार अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बाकी सभी स्थितियों को झेल रही, तो इसमें अभी एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है, तो आपका अगस्त के पहले कराना बहुत ही मुश्किल है। तो अगस्त तो क्लियर ही कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर का लास्ट भी जा सकता है, अभी कुछ क्लियरली इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार भी इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दे रही है, भर्ती बोर्ड भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा है, तो मैं अपने से कुछ आपको अपडेट नहीं कर सकता या इस महीने में होगा या उस महीने में। बट आपको क्लियरली बता दूं कि जो आपका यूपी पुलिस का, जो आपको यूपी पुलिस की जो आपका एग्जाम पैटर्न है, सेम पैटर्न आपका जेल वार्डर का है। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही है कि आप अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है इसमें थोड़ा ही पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, भाई पढ़ने का किसी को मन नहीं कर रहा होगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि किसी को ना ही पढ़ाई में मन लग रहा है, ना कहीं पे भी, सारी चीज़ें सबकी छूट चुकी हैं, सभी चीज़ें बिना टाइम की हो चुकी है, मतलब कोई भी किसी चीज़ का अभी रेल रिजर्वेशन नहीं चल रहा है, सब कुछ आपका गड़बड़ हो गया। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, जो भी आपका पैटर्न है, आपको पैटर्न तो पता होगा जेल वार्डर के लिए, तो आपको उसमें भी है हिंदी है, GS GK है, मैथ है, रीजनिंग है, इसमें भी चार पार्ट हैं। जो आपका यूपी पुलिस में आता है सेम टू सेम आपका इसमें जेल वार्डर में भी आने वाला है, तो उसी की तैयारी कीजिए, उसमें भी आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो इस टाइम पढ़ेगा फ्रेंड्स वही क्लियर कर सकता है, क्योंकि आपके थोड़े थोड़े ही पढ़ेंगे और एक बार ही आपको पढ़ना हो तो थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो आपसे
बस इतना कहना चाहूँगा, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। और जो लोग UPSI और लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, इस साल नहीं आने वाली है, अगले साल तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको पता होगा कि 2022 में आपको चुनाव होने वाला है, तो उसके पहले जो सारी वैकेंसियाँ हैं वो ज़रूर होंगी। तो इसका मतलब है, और वैकेंसी कोई भी हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, लेखपाल की हो, या फिर आपका SI की हो, तो उसकी वैकेंसी क्लियर करने में लगभग एक साल का समय लग जाता है। तो अब ये सोचिए कि 2022 में आपके चुनाव हैं, तो उस चुनाव का लाभ लेने के लिए सरकार ज़रूर अपना 2021 के स्टार्टअप में ही जो सारी वैकेंसियाँ हैं वो ला देगी, और अपना आंकड़ा दिखाएगी, हमने इतनी वैकेंसियाँ क्लियर कराई और इतनी वैकेंसी हमारी पेंडिंग अभी चल रही है, हमने इतनी वैकेंसियों को नोटिस जो है वो आना कर दिया है, फॉर्म इसमें भरा जा चुका है, प्रोसेस चल रहा है। तो ये एक लुभावना ज़रूर आपको मिलेगा 2021 के स्टार्टअप में। तो आपसे अभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये इसमें आप घर पे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और करना कुछ भी नहीं है, काम भी कुछ नहीं है, आप बस क्या करिए, बस अपना इन्जॉय कीजिए, पढ़िए, और बस और क्या बताएं आपसे, बाकी सब आप कुछ पता है। तो बस उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो यूपी पुलिस 49568 था, 41520 था, इसके अकॉर्डिंग जो आपको कन्फ्यूज़न थे वो दूर होंगे। भी इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, जैसे कि आपका सवाल हो कि इस साल होगा या नहीं होगा, वैकेंसी कैंसिल होगी या नहीं होगी, तो क्लियर है वैकेंसी कैंसिल नहीं होने वाली है। इस साल होगा या नहीं होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए नहीं सबके लिए कैंसिल है कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सरकार का जो चॉइस क्या है कोरोना का, भी आगे तक क्या स्टेटस चलेगा, कैसा रहेगा, माहौल के हिसाब से जो भी इसमें डिसीजन होंगे वो बदलाव हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकता है, 21 में भी जा सकता है, डिले हो सकता है, पहले भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ कंप्लीट कहा नहीं जा सकता। बट श्योर रहिए, यदि आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ा लेट हो, थोड़ा पहले, थोड़ा जल्दी, बस इतना ही इसमें है, बट आप घबराएं नहीं। बट आपने यदि आपको लगता है कि मेरे एक दो नंबर कम हो सकते हैं, मेरिट में मैं पीछे हो सकता हूं, तो फ्रेंड्स आपके लिए अभी एक और रास्ता खुला हुआ है, जेल वार्डर, क्योंकि अभी आपको पता है कि जेल वार्डर ही एक ऐसी वैकेंसी अभी है जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, बाकी तो 2021 के पहले आपका कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो अब जेल वार्डर का तैयारी कीजिए, उसका एग्जाम आपका अगस्त के लास्ट या सितंबर में आपका कंप्लीट कराया जाएगा, मे बी चांसेज हैं फुल टू आपका अगस्त के लास्ट के बाद जब भी एग्जाम आपके कंडक्ट कर लिया दिए जाए, ठीक है, अंडर आपका जब एग्जाम होगा वो अगस्त के लास्ट के बाद ही कराया जा सकता है, तो उसकी तैयारी आप करते रहें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, आपका मैंने एग्जाम पैटर्न भी बताया, जैसा कि आपका यूपी पुलिस का पैटर्न था, सेम पैटर्न आपका जेल वार्डर या फायरमैन के लिए होगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी वीडियोज़ बनाई जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जब भी अगली बार वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप अपना कमेंट्स पूछ सकते हैं। बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद।